बिहार बोर्ड द्वारा इंटरमीडिएट की परीक्षा में अंग्रेजी विषय में बेहतर अंक लाकर नाम रोशन करने वाले छात्रों को सहरघाट स्थित एसपी इंग्लिश क्लासेज के तत्वाधान में सम्मानित किया गया। डायरेक्टर चंदन के द्वारा सफल बच्चों को मेडल व कप देकर उत्साह वर्धन किया गया। बताते चले कि इस क्लासेज में रामजी कुमार 442 अंक के अंग्रेजी विषय में 92 अंक लाकर संस्था का नाम रोशन किया है। इसके अलावा आलोक कुमार अंग्रेजी विषय में 91, काजल कुमारी 86, मीनू कुमारी 85, अमरेंद्र कुमार 85, गणेश कुमार 84, दुर्गा कुमार 82, पूनम कुमारी 81 समेत 200 छात्र सफलता पाकर कीर्तिमान स्थापित किया है। जानकारी देते हुए डायरेक्टर चंदन ने बताया कि इस ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे अंग्रेजी विषय में कमजोर होते हैं, जिसको ध्यान में रखकर हमने संस्था का स्थापना किया है। आज इस संस्था के सभी बच्चे बेहतर अंक से पास किए हैं, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने यह भी बताया कि हमारे संस्था से 90 अंक से 2 छात्र व 80 से अधिक 30 छात्र छात्रा अंक लाकर मान बढ़ाया है, इसलिए सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। मेरा नाम रामजी कुमार है, सीतामढ़ी जिला के छोटे से गाँव बलसा से मैं बिलोंग करता हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से। मैं यहाँ कॉमर्स स्ट्रीम से 2 साल से चंदन सर के यहाँ पढ़ रहा था, जो SEC के डायरेक्टर है, जिनका सहरघाट और बेनीपट्टी में भी एक इंस्टीट्यूट है। बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ाते हैं, हम लोगों को शुरू से ही गाइड किया, बहुत अच्छा तरह से पढ़ाए। किस टाइप का तैयारी किया था जो आज इतना मार्क लाया है? सूर्य से हम लोगों को बहुत सारा सपोर्ट था, हम लोग भी मेहनत करते थे, और सर का जो है लास्ट में यानी 30 दिन जो बच जाता है एग्जाम का, तो उसमें सुपर 30 का तैयारी करवाते हैं, जिसमें सभी बच्चे को कमजोर से कमजोर बच्चे को भी अच्छा मार्क अच्छा से नॉलेज दिलाने का, और अच्छा से यानी बहुत अच्छा से तैयारी करवाते हैं। 30 दिन तक लगातार टेस्ट चलता है, सीरीज चलता है, उसमें ग्रामर लिटरेचर दोनों सभी से तैयारी करवाते हैं। आने वाले बच्चों को क्या कहोगे जो तुम्हारे जूनियर है, उनको क्या कहना चाहोगे? उनको मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि SPEC के सर चंदन सर के पास पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी बहुत सालों से आ रहा है, इस बार भी आया, और आप लोग भी मेहनत करिए, सर का फुल सपोर्ट रहेगा। जब भी आप 12 बजे दिन में करिए कॉल या 12 बजे रात में करिए, सर उसका रिप्लाई देते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो सर को कॉल कीजिए, वो डेफिनेटली रिप्लाई देंगे, आपको समझाएंगे बताएंगे, कॉल पे भी समझ सकते हैं। 98 मार्क आया है। मैं सहरघाट के SPEC चंदन सर के पास पढ़ता था, और जिसका संस्था दो जगह है, बेनीपट्टी और सहरघाट में। मैं अपने घर पे भी तैयारी करता था, और उसके बाद सर के पास भी अच्छे से तैयारी करते करवाते हैं सर इंग्लिश, और उसके बाद ग्रामर दोनों के साथ सर बताते हैं, और सपोर्ट भी करते थे सर, हमेशा फैमिली सपोर्ट भी था। अच्छा, SP इंग्लिश क्लास में पढ़ने से ये लगा कि कम से कम यहाँ जो है ना हम संतुष्ट थे? हाँ, यहाँ पे पढ़ने से मुझे मार्क भी अच्छा आया, और मुझे हमेशा लगा कि यहाँ हम सही संस्था पे हैं। आने वाले लोगों हमारे जो सहपाठी हैं उनको क्या कहना चाहिए? आने वाले स्टूडेंट मैं यही कहता हूँ कि अच्छे से अपना सेल्फ स्टडी करें, और सबके पास रहे, जुड़े रहे सर से, सर हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। कौन स्कूल से था? KBS कॉलेज उज्जैन। क्या नाम है? KBS कॉलेज उज्जैन। ये हमको बताइए, सबसे पहले तो हम आपके जो मधुबनी न्यूज चैनल है इनको हार्टली धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आप बेस्कीमती समय हमारे इंस्टीट्यूट पर छोटा सा इंस्टीट्यूट आकर दिए हैं, और इसके बारे में बच्चों को इंटरव्यू और कह रहे हैं, कुछ बताने का मौका मिला आपके न्यूज चैनल के माध्यम से। तो हम सबसे पहले तो ये सलाह देना चाहेंगे कि बच्चे को इंग्लिश पढ़ना चाहिए, और क्यों पढ़ना चाहिए, पढ़ने से क्या बेनिफिट होने वाला है, नहीं पढ़ने से क्या बेनिफिट होने वाला है। आज की जो मॉडर्निटी चल रही है, जो मॉडर्न का टाइम चल रहा है, इस मॉडर्न टाइम में जहाँ तक मैं समझता हूँ, और ये बात हर आदमी को समझना होगा कि बिना इंग्लिश की दुनिया के किसी भी क्षेत्र में एनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड स्टूडेंट बेहतर मुकाम को नहीं पा सकता है। या मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, या ट्रेड के क्षेत्र में हो, या कला के क्षेत्र में हो, दुनिया आज जो अंग्रेजी एक एजुकेशन का बहुत बड़ा नींव है। जब तक आपको अंग्रेजी नहीं आती है, किसी भी स्टूडेंट को मेरा सलाह है, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सबको मेरी सलाह है, मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि जब तक आपकी अंग्रेजी की लेवल वेल नहीं है, यू डोंट नो हाउ टू स्पीक रीड एंड राइट, देन यू कैन डू नथिंग स्पेशल इन योर लाइफ। दैट्स व्हाई यू मस्ट स्टडी इंग्लिश, बिकॉज विदाउट इंग्लिश आवर लाइफ इज हाफ। And in a student life, without English, no one can, a student can do in his life better. और इस छोटे से सहरघाट मार्केट में आज से 10 वर्ष पूर्व मैंने इस मार्केट में 10+2 लेवल का पहला इंस्टीट्यूट मैंने डाला, और जिनकी बुनियाद मैंने जीरो से शुरू किया, और आज सैकड़ों बच्चों को, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों बच्चों को
अंग्रेजी सीखने, लिखने, पढ़ने और समझने का मौका मिला है, जो एक एसपी इंग्लिश क्लासेस का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। और मैं इनको फॉलो करते आया हूँ और बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से प्रत्येक साल कुछ न कुछ यहाँ से अंग्रेजी बेहतर ही करते हैं। और खुशी की बात है कि एवरी ईयर ऑलमोस्ट अपने यहाँ से डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी होता है। 2021 वाला में भी अपने यहाँ से स्टेट टॉपर के लिए लिस्टेड हुआ था और प्रत्येक साल मैं कोशिश करता हूँ कि बेहतर रिजल्ट दूँ और दिया जा रहा है। जैसे इस बार भी वाणिज्य के क्षेत्र में मैंने 92 नंबर दिया है, साइंस में 91 नंबर दिया है, जो मुझे लगता है बेनीपट्टी में पहली बार हुआ है। मार्केट में हम 10 वर्षों गुजार दिए जिसके दरमियान देखा जा रहा है। और अंग्रेजी की बात किया जाए तो बिना अंग्रेजी का एक कदम आगे बढ़ना आज के दौर में इम्पॉसिबल है। विशेष बहुत सारी बात है, इनकी क्षेत्र बहुत बड़ा है, इनकी कल्पना नहीं की जा सकती, जितना किया जाए वो तुच्छ है। जी, आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।